अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय वीडियो एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय चैनल। एंड आई एम हियर एट द फेल्स पॉइंट बाल्टीमोर एंड सो लेट मी जस्ट शो यू गाइस दिस ब्यूटीफुल व्यू हियर। सब जो है ना प्राइवेट लिया हुए हैं लोगों के, पीछे बड़ी शिप खड़ी हुई है। बत्तख भी एंजॉय कर रही है यहाँ पे। इट्स वेरी नाइस एंड ब्यूटीफुल नाइस वेदर। ये साथ में अपार्टमेंट बिल्डिंग भी है और इसमें होटल भी है हेंडरसन इन। ये सारी अपार्टमेंट बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे जो बहुत ही यानी कि महंगी वाली भी। पानी के व्यू है ना, वाटर व्यू, सो इट्स लिटिल बिट मोर। सो अभी हम वापस गाड़ी में बैठे हैं, सो मैंने सोचा आपको ना जो उसका जो ड्राइविंग जो जा रहे हैं रोड पे, ये भी फेल्स स्ट्रीट है। हम कैंटन आई मीन फेल्स पॉइंट में, बाल्टीमोर सिटी एरिया ये सारा। यहाँ पे नाइट और लाइफ बहुत अच्छी है, बहुत ज़बरदस्त एरिया है, नाइस है, अच्छा है। वीकेंड के लिए लोग बहुत रहते हैं यहाँ पे, लोग भी यहाँ पे इकट्ठे होते हैं, रात को पार्टी चलती है, लेट नाइट, बहुत बार रेस्टोरेंट हैं। सो चलें आपका भी दिखाते हैं। अभी थोड़ा अर्ली है, रश नहीं होगा, इसलिए तो मैं आ गया तो ज़्यादा बिजी नहीं होगा। सो लेट्स गो, इट्स रियली नाइस। ये जो बिल्डिंग है बहुत पुरानी है यहाँ पे सारी की सारी, क्योंकि बहुत पहले का तकरीबन जो मैरीलैंड उन स्टेट में से जो पहली 13 स्टेट थी अमेरिका में जो जब अमेरिका बना था। सो दिस वन इज़ वन ऑफ दो स्टेट 13। सो इसलिए ये जितनी भी है ये सब बहुत ही पुरानी है। ओके, और ये जो रोड है ये इसको क्या बोलते हैं, काबल स्टोन, जैसे ईंटें हैं ना पाकिस्तान में, ऐसे ही है इसका जो कहते हैं यहाँ की खूबसूरती है। लेकिन जब हम रात को काम करते थे बहुत लोग नशे में, पता है आपको, पता क्या होता है, तो गिरते थे यहाँ से बहुत। लेकिन है कि ब्यूटी है तो वो रखा हुआ उन्होंने ऐसे ही। सो इस तरफ आते हैं, अभी हम अब आ गए हैं दिस कॉल्ड थेम स्ट्रीट। थेम अब रियली हर कोई अपने तरीके से प्रोनाउंस करता है, सो जो भी है जो ऐसे ही है इसका नाम। और इस तरफ है ये जो है ना, ये होटल है, ये वाला, ये पुरानी बिल्डिंग को अभी कुछ ऐसा पहले ज़्यादा पुराना नहीं है ये। सो अभी अभी उन्होंने इसको जो है ना बनाया इस होटल को। देखिए ये बिल्डिंग है, यहाँ पे पहले कोई मार्केट होती थी, बहुत बड़ी बिल्डिंग है पीछे से। तो ये उसका जो है ना फ्रंट व्यू है इसका। और सागमोर गाड़ी कैसे चल रही है, लेकिन वो कहते हैं कि ये यहाँ की खूबसूरती है, तो इन्होंने संभाल कर रखा है इसको। यहाँ पे पहले बहुत अच्छा था, अब लोग थोड़े कम आ रहे हैं कोविड की वजह से ना, एक दो बार थोड़ा यहाँ पे शूटिंग वगैरह हुई है,
सो उस सिलसिले में थोड़े पहले को मैं भी यहाँ पे काम ही करते थे, यहाँ पे रात को वीकेंड पे खास कर ना यहीं से सवारी मिलती जाता है कि दोनों तरफ इसके जो है तकरीबन सारे बार रेस्टोरेंट वगैरह हैं। नाइट खाना होता है 10-12 सिर्फ मुकम्मल अल्कोहल वगैरह खा देते हैं, उसके बाद जो है ना ये सारा ही देखें आपको नजर आएगा सारे टैवर्न सब बार रेस्टोरेंट, और ये बहुत फेमस है यहाँ पे। रोड पाकिस्तान की याद लाता है पाकिस्तान, वहां पे भी ऐसे ही रोड है ज्यादातर, जो जब बन भी जाए एक साल में ऐसा ही हो जाता है वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन भी। देखिए अब जगह जगह अगर पुलिस मिलेगी यहाँ पे, पहले यहाँ पे नहीं होती थी, बहुत कम है, लेट नाइट में जब वो बार बंद करने आते थे ना तब आते थे पहले, अब तो जब भी आए दिन में भी आए रात को सुबह शाम यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत जो 2-4-5 गाड़ियाँ जो है पुलिस की विद इन लाइक माइल रेंज में आपको नजर आएगी, अंडर कवर भी होती हैं और दूसरी रेगुलर भी ना वो भी आती है यहाँ पे, ये पहले यहाँ पे बहुत कम पुलिस आती थी यहाँ पे। इस पार्किंग स्पॉट है सो मुझे वहाँ पे थोड़ी पार्किंग मिल गई थी, मैंने सोचा बाहर निकल के थोड़ा सा आपको इधर का व्यू दिखा देते हैं यहाँ से पार्क का। ये वही है उसी रोड पे हूँ मैं, ये देखें लोग यहाँ पे मछली पकड़ रहे हैं। चेंज हो गया, पहले इसको कहते थे बॉन्ड स्ट्रीट सोशल, ये जो है यहाँ का सबसे जो फेमस बार था इस बिल्डिंग में, वो सारा फ्लोर 2 फ्लोर के पास थे सारे के सारे, और सामने जहाँ पर लिखा ना बाजा टैप जैसा कुछ बदल गया है, नाम चेंज हो गया शायद कोविड वजह से बंद कर गए, ये पार्किंग है यहाँ पे। तो चले आगे दिखाते हैं और क्या क्या है यहाँ पे, आप भी देखें हम भी देखें। ये सामने वाली काली वाली गाड़ी मेरी है। ओके सो हम वापस गाड़ी में आ गए हूँ, सो आगे चलते हैं। ये देखें ना ये सब जो है ना ये तकरीबन बिल्डिंग है सब यहाँ पे नई बनी हुई है। लेट मी जस्ट गो सर्कल है इस तरफ थोड़ा आपको दिखा दूँ थोड़ा यहाँ से भी। देखें ये बिल्डिंग पुरानी है, ये राइट साइड पे है, लेफ्ट भी है, यहाँ पे एक रेस्टोरेंट भी है और यहाँ पे वाटर टैक्सी भी रुकती है आके जो ना जो जहाँ घूमती है अपना फेड हिल से लेके आपको कैंटन में ले जाती है वो सारी। हम थोड़ा उधर ही हैं लेकिन सर्कल में गए तो भी वापस जाएंगे उस रोड पे, तो आपको वहाँ का व्यू भी ना थोड़ा अच्छे से दिखाते हैं। पीछे से आवाज़ें आ रही हैं आइसक्रीम ये आई है मेरे साथ आइसक्रीम खाने के लिए, मैंने बोला नहीं पहले वीडियो बनाएंगे फिर आइसक्रीम रहे मेरा। और ये जो आइसक्रीम यहाँ पे जो स्टोर है ये हमारे नज़दीक नहीं है वहाँ, क्योंकि हम हमारे यहाँ तक आधा घंटा रास्ता लगता है यहाँ पे आने पे, हमारे यहाँ पे आए ना ये सिटी में हम रहते हैं, काउंटी में कंट्री साइड वहाँ पे रहते हैं, तो यहाँ आने के लिए हाफ आवर चाहिए हमें कम से कम, जब ट्रैफिक नहीं हो, ट्रैफिक हो तो ज़्यादा भी लग सकता है टाइम। सो ये
इस सारा जो एरिया अभी तक जो है हम थे फेल्स पॉइंट में, अभी जो हम इंटर हो रहे हैं ये आ जाएगा हार्बर ईस्ट। ये तकरीबन जो है ना ये बिल्डिंग पुरानी है, अभी मेरे आने से जब से मैं उसके बाद ही बनी है, लेकिन फिर भी काफ़ी अर्सा हो गया यहाँ पे इसको बने हुए इस बिल्डिंग को भी। वो जो सामने बड़ी बिल्डिंग नज़र आ रही है आपको, वो भी अभी 2 साल हुए उसको कंप्लीट हुए, ज़्यादा अर्सा नहीं है, वो नई बिल्डिंग्स हैं। इस तरफ भी ये पुरानी है सारी। ये भी नई बिल्डिंग बन रही है, ये सब हाई राइज बिल्डिंग है, लोग लेते हैं क्योंकि पानी के ऊपर है, आपको व्यू बड़ा प्यारा मिल जाता है वहाँ पे। इधर साथ में देखें पार्क भी बना है, हम कभी कभी यहाँ पे आ जाते हैं खाना लेके आ जाते हैं, यहाँ पे बैठ के खाते हैं आराम से, जगह खुली बनी हुई है, अच्छी है, हवा फ्रेश है। और ये भी नई बिल्डिंग है जिसको हम राइट टर्न कर रहे हैं, इसमें दोनों हैं, इसमें होटल भी बना दिया उन्होंने आधे में, और रेजिडेंशियल भी एरिया अपार्टमेंट भी बन गए इसमें। ये भी नहीं है, ये कोविड के टाइम पे ये सारी बिल्डिंग बनी है, ये भी दोनों तरफ से जो है ना, पहले यहाँ पे कोई नहीं था। देखें होटल ड्रॉप ऑफ कैनपी, बहुत ही खूबसूरत व्यू है यहाँ का। देखें मैं सिर्फ ये दिखाने के लिए लाया हूँ यहाँ पे, कुछ ये तो कुछ नहीं था, लेकिन मैंने सोचा आपको थोड़ा व्यू दिखा दूँ यहाँ का। ज़ूम आउट कर ले थोड़ा ज़्यादा सही आ रहा है उसमें। वो सामने जो है ना डामिनो, ये डामिनो शुगर है जो जी जहाँ की बहुत बड़ी ब्रांड है अमेरिका में, चीनी वाली, चीनी की कंपनी बनाती है ये यहाँ पे, तकरीबन जगह जगह पर इनकी फैक्ट्री है अमेरिका में। और ये कैसे हैं कि सबसे जो फेमस की जाती है चीनी यहाँ पे, वो इस कंपनी की है। हम वापस आ रहे हैं उस तरह से, थोड़ा यहाँ से लेके हम जाएंगे हार्बर ईस्ट, ये दो मिनट का रास्ता है यहाँ से। वो चक्कर लगा के इसको मैं उतार दूंगा, ये अपनी आइसक्रीम ले लेगी, तो मैं वहाँ पे चक्कर लगा के थोड़ा आपको दिखाऊंगा इतनी देर में, आप भी इंजॉय कीजिएगा। और ये आइसक्रीम राइट, यस, सब ने ऐसे ही बोला है, बोलो आइसक्रीम खानी है तो खा लो जाके, धोखा किसने आप लोगों का। तो अभी हम यहाँ से राइड करेंगे, गाड़ी में इसलिए थोड़ा जल्दी रहता है, पैदल चलने से आपको वही काम है, लेकिन है कि बहुत टाइम ला जाएगा, तो मैंने सोचा आपको दिखाना ही है ना, तो थोड़ा देखिए वो ये जो राइट साइड बिल्डिंग है ये भी नहीं है, इसमें है होल फूड ग्रोसरी स्टोर है जो कि सारा ऑर्गेनिक, जैसे देसी हम बोलते हैं ना खाना खाद के बगैर, वो है पूरे के पूरा, ये बिल्डिंग भी उनकी है। और ये अमेज़न है, क्या नाम है उसका, बेजल, जेफ बेजल है अमेज़न, ये उसकी है ये बिल्ड प्रॉपर्टी है, बिल्डिंग सारी की सारी, ये रेस्टोरेंट साथ में बने हुए, वो जो अमेज़न वाला है बड़ी कंपनी है उनका, ये उन्होंने लिया है होल फूड सारे का, सारी कंपनी उन्होंने ले लिया है, तो ये बिल्डिंग उसके बाद उन्होंने यहाँ पे बनाई है। वो सामने अंडर आर्मर है, ये भी क्लोथिंग शूज़ कंपनी है जो बेस्ड इन मैरलैंड है, यहाँ बाल्टीमोर से ही है ये, तो उनकी है। आ गया देखें ये स्टोर है उनका, अच्छी कंपनी है, और ये बहुत काम कर रहे हैं यहाँ पे, जो वाटर टैक्सी चलती है ना यहाँ बाल्टीमोर में, वो भी इन्हीं की हैं। सो ये आ गया हार्बर ईस्ट सर्कल जो है ना, ये आप कैसे बहुत ही फेमस है यहाँ पे, ये तकरीबन सारे ही होटल हैं इस तरफ, यहाँ मैरियट है, हिल्टन है, मैरियट के 2-3 है, फोर सीजन है, जो तकरीबन जो ब्रांड सारे फेमस वाले होटल हैं, इस तरफ भी है मैरियट, इस तरफ भी है, ये हिल्टन के 2 हैं, हिल्टन गार्डन, हिल्टन स्वीट। सो ये
यहाँ से आगे आपका वो जगह शुरू हो जाएगा प्रेसिडेंट स्ट्रीट। ओके यू गाइस गो। तो उनको ड्रॉप कर दिया यहाँ पे। सो मैं अभी चक्कर लगाऊंगा वो मैरियट का होटल है जो यहाँ पे है, हाई राइज बिल्डिंग है बहुत बड़ी, वहाँ पे जाऊंगा उसका थोड़ा फ्रंट दिखा दूंगा आप लोगों, और उसके बाद यहाँ पे वाला मैरियट है। मुझे रुकना तो नहीं है यहाँ पे, लेकिन कि मैं वहाँ से चक्कर लगा कर ना आपको, लेकिन 700 वाटर फ्रंट, ये भी बहुत बड़ा होटल है, बहुत महंगा है यहाँ पे ये भी। ये एक रेस्टोरेंट है यहाँ पे जूमी। इस तरफ आ जाता है आपका वो क्लोथिंग स्टोर है यहाँ पे, ये जो है ना फोर सीजन है, आई थिंक सबसे महंगा जो होटल है ना यहाँ पे, ये जो राइट तरफ है इसको फोर सीजन है ये, इसके अंदर भी थोड़े बार वगैरह बने हुए हैं यहाँ पे, पहले पार्किंग बिजी है। अब पहले जैसे रौनक आ रही है यहाँ पे, पहले तो कोविड के दौरान तो यहाँ पे सब खत्म हो चुका था। ये सर्कल लूप बनाया यहाँ पे, इसमें आपको बिजनेस भी हैं, होटल भी हैं, रेस्टोरेंट भी, थोड़े शॉपिंग भी है, थोड़ी थोड़ी शॉपिंग कम है, लेकिन ज़्यादातर रेस्टोरेंट और होटल है यहाँ पे। ये देखें अभी इधर भी एक रेस्टोरेंट था पहले, ये सामने बिल्डिंग है यहाँ पे साइन लिखा वेलकम शॉप्स आर ओपन, यहाँ पे पहले एक रेस्टोरेंट होता था, आई थिंक या तो काम कर रहे हैं या वो बंद कर रहे हैं, पर इस ओपन आई थिंक मेकिंग उसका फ्रंट है ना वो बना रहे हैं नया। इस रोड को बंद किया शायद, आज कुछ था यहाँ पे, मैं तो आया नहीं काम पे, इधर कुछ था आज इसलिए देखा वो कुछ है। सो वहाँ पे रोड काफ़ी बंद था, यहाँ पे कुछ चल रहा है बिग समथिंग लाइक कॉन्सर्ट और मेला जिसे बोलते हैं, कुछ भी फंक्शन है यहाँ पे, रोड देखे ब्लॉक है इधर से। हम आ गए अभी, हम हैं यहाँ पे, ये रोड आ गया यहाँ पे लाइट स्ट्रीट आ गए हम पे लाइट पे, तो ये बिल्डिंग भी नहीं है, तकरीबन हम दूसरी तरफ आ गए हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ फ़ायदा नहीं था, ट्रैफिक थी, रोड बंद से था, तो मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। सो वैसे भी पार्किंग भी नहीं मिल रही आज कहीं भी, क्योंकि उसकी वजह की तकरीबन एक मील का जो रोड है ना वो बंद है तकरीबन सारा ही, वो जो मेन रोड है यहाँ पे वो सारा बंद किया उन्होंने। सो इस वजह देखिए अब नॉर्मली इस टाइम यहाँ पे ट्रैफिक नहीं होती इतनी ज़्यादा, बस थोड़ी बहुत ऊबर लिफ्ट और टैक्सी वगैरह होती है, बाकी गाड़ी ना आने के बराबर होती है इस टाइम पे यहाँ पे, तो आज तो जैम्ड है पैर पर से, इसलिए मैंने तो देखे लाइन भी बंद की हुई है कुछ उन्होंने, सो उधर कुछ रिकॉर्ड नहीं कर सका। एनी वे थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप यू लाइक इन दिस वीडियो, इफ़ यू डू प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। Thank you so much. Allah Hafiz. God bless you. Assalamu alaikum.